डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा में हक एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा भूतपूर्व रजिस्ट्रार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा प्रोफेसर क्यू ए हक की स्मृति के जयंती के अवसर पर व्याख्यान माला 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर फिरोज अकरम द्वारा तिलावरे कुरान से हुआ। स्वागत भाषण डॉक्टर इम्बे शातुल हक एवं बीज भाषण डॉक्टर इर्तिजा अहमद द्वारा प्रस्तुत किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में श्री भैरव लाल दास पटना ने भारत वर्ष में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या रूप से चर्चा करते हुए बिहार प्रांत के मिथिला क्षेत्र के प्राचीन शिक्षा से लेकर आधुनिक शिक्षा के विकास पर विस्तार पूर्वक शोध लेख प्रस्तुत किया। उन्होंने इस अवसर पर शैक्षिक विरासत को अक्षुण बनाए रखने की वकालत की। श्री भैरव लाल दास जी ने कहा कि बिना किसी द्वेष के सभी धर्मों, भाषाओं, लोक संस्कृति, सभ्यताओं एवं शैक्षणिक विरासत का आलोचनात्मक अध्ययन एवं संरक्षण होना चाहिए। अध्यक्षीय भाषण इतिहास के प्रखर विद्वान प्रोफेसर धर्मेंद्र कुंवर ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों के भाषणों की महत्ता पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए भावना व्यक्त किया कि इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ समाज में समरसता लाती है एवं सामाजिक धरोहर का संरक्षण भी करती है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मन्नान तरजी ने अपने संबोधन में प्रोफेसर क्यू ए हक के शैक्षणिक प्रशासनिक क्षमताओं को रेखांकित करते हुए उनका रोल मॉडल कहा। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर येनान अहमद जो उनके शिक्षार्थी भी रहे हैं ने उनकी शैक्षणिक कार्यशैली को रेखांकित किया एवं कहा कि उनका दृष्टिकोण शिक्षा को हमेशा सार्वभौमिक बनाने की थी। इस अवसर पर डॉक्टर इमाम आजम क्षेत्रीय निदेशक मानू कोलकाता ने एक कविता पाठ के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी प्राचार्य सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा ने अपने संबोधन में सीएम कॉलेज उनके शैक्षणिक योगदान की चर्चा की। प्रोफेसर एम नेहाल पूर्व निर्देशक WET ने अपने संबोधन में उनकी दूरदर्शिता की चर्चा करते हुए अपनी नियुक्ति में उनके अभिभावक शैली को सलाम किया। प्रोफेसर एम नेहाल पूर्व निर्देशक WET ने अपने संबोधन में उनकी दूरदर्शिता की चर्चा करते हुए अपने नियुक्ति में उनके अभिभावक शैली का सराहना किया। प्रोफेसर विद्यानाथ झा पूर्व प्राचार्य MLSM कॉलेज दरभंगा ने उन्हें शिक्षक के रूप में याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी एवं कहा कि उस समय के मेरे महाविद्यालय के सभी शिक्षक वर्तमान में प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में डॉक्टर DNC डॉक्टर अमरेन्द्र झा, डॉक्टर MK खा, दो कल्याणी कुमारी, डॉक्टर सहिबा परवीन, डॉक्टर GM अंसारी, डॉक्टर CN झा, डॉक्टर महमूद फरीद, डॉक्टर कल्पना कुमारी, डॉक्टर PR सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर शाहिद हसन एवं प्रोफेसर QA हक के सभी पुत्र एवं परिवार के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का मन संचालन डॉक्टर मंजन सुलेमान एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अफाफ हाशमी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए हक एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर QA हक एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से प्रोफेसर विद्यानाथ झा पूर्व प्राचार्य MLSM कॉलेज दरभंगा, प्रोफेसर एम नेहाल पूर्व निर्देशक WET एवं पूर्व रजिस्ट्रार केंद्रीय विद्यालय साउथ बिहार, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी प्राचार्य CM साइंस कॉलेज दरभंगा, पूर्व MLC डॉक्टर अहमद नशीम आरजू निर्देशक अल हिलाल हॉस्पिटल दरभंगा एवं एडवोकेट शाहिद ऑथर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस दरभंगा और साथ ही दरभंगा समाचार एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया।